आगे देखना, बोले मणि शाणो लीढ़ा, मणि शाण समार विजयी है ती धनी तो। मदक्षिणो नागा शरदि शरीदाश्यान बोलिना, शोभन्ते का मणि ही साणो लीढ़ा। एक एक चीज बताया कि शान पर चढ़ाई गई जो मणि है ना वो अच्छी लगती है। मणि पर मणि होती है ना, मणियों को सुंदर किया जाता है, तो बोले शान माने जिस पर रगड़ा जाता है, उस पर चढ़ा के रगड़ दिया जाता है तो मणि में चमक आ जाती है। तो उन्होंने कहा शाणोल लीढ़ा, अर्थात ऐसी जो शस्त्र को या कि मणि को तेज करने की शान होती है, जो कसौटी होती है, यदि उस पर रगड़ दिया जाए तो शान पर जो चिकनाई गई है मणि, वो मणि सुंदर लगने लगती है। यद्यपि मणि को जब आप रगड़ेंगे थोड़ा कम होगी। तो बोले तनिम्ना शोभन्ते, नीचे के नहीं देखना, ये चीज़ें निम्न हो जाएं, कम हो जाएं, थोड़ी खर्च हो जाएं तो भी शोभन्ते, तो भी शोभन्ते। गलित विभवाः च अर्थिषु नराः, ऐसे नर गलित विभवाः अर्थात जो जिनका धन दान में चला गया है, बहुत सारे दान दे करके जो ज्ञान दान देने के बाद गरीब हो चुके हैं, अर्थिषु माने याचकेषु, अर्थी माने मांगने वालों को, जिन्होंने दान दे दिया है, जैसे आपने मृच्छकटिक में नायक को देखा होगा चारुदत्त को। चारुदत्त बहुत अमीर आदमी होता है और अपने मित्रों को या अपने गरीब व्यक्तियों को अपना पूरा धन दे दे करके वो गरीब हो जाता है। यदि इस कहानी से, तो उन्होंने कहा कि अर्थिषु याचकेषु, जो मांगने वाले हैं उनमें गलित विभवाः, दे दे करके जिनका वैभव गल गया है, समाप्त हो गया है, ऐसे नराह भी तनुत्वेन शोभन्ते, यदि वो थोड़े कम भी हो गए हैं, थोड़े दुबले हो गए हैं पैसे से, रुपये से या शरीर से, तो भी वो अच्छे लगते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ा कम भी हो जाएं तो अच्छी लगती हैं? उनमें एक चीज़ें आपने देखी कि यदि अर्थियों को, याचकों को कोई आदमी धन दे करके गरीब हुआ है तो वो भी समाज में आदर का पात्र होता है, अर्थात उसकी भी शोभा होती है। यही लिखा तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाः। हाँ, तो तनिम्ना माने तनुत्वेन, कृशत्वेन, दुर्बलत्वेन, दुर्बल हो जाएं, कृश हो जाएं, कम हो जाएं, न्यून हो जाएं, तो भी वो सुशोभित होते हैं। उनमें एक चीज़ आपने देखा कि अर्थिष माने याचकों को, जो गलित विभवाः, याचकों को धन देने के बाद जो थोड़े कम भी हो गए हैं धन से, वो लोग भी क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। चौथी लाइन ऊपर आ जाइए, और क्या क्या चीज़ सुशोभित होती है? बड़े मणि सुशोभित होती है। मणि कैसी मणि? बोले शाणो लीढ़ा मणि। कैसी मणि? शान पर चढ़ा करके जिस मणि को रगड़ दिया जाए, रगड़ने से मणि का कुछ हिस्सा तो रगड़ जाएगा ना, कुछ हिस्सा तो घिस जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा घिस जाने के बाद मणि में जो चमक आएगी, उससे मणि की चमक आ जाने से मणि और सुंदर लगेगी। ठीक है, थोड़ा तनिम्न तो हुई, थोड़ी तनु तो हुई, थोड़ी कृश तो हुई, थोड़ी दुर्बल तो हुई, थोड़ा मणि घिसने से चली तो गई, लेकिन घिसने के बाद मणि की शोभा बढ़ गई। बोले हाँ, इसीलिए जो आदमी जिंदगी में रगड़ नहीं गया, जो आदमी जिंदगी में घिसट नहीं गया, जो आदमी जिंदगी के थपेड़ों से रगड़ा नहीं खाया है, वो आदमी सुशोभित नहीं होगा। बोले हाँ या ना? और यदि जिंदगी के थपेड़े आपके ऊपर लग रहे हों तो कसौटी पर कसिए, और कसौटी पर कसने के बाद, इन थपेड़ों में रगड़ खाने के बाद आपकी शोभा बढ़ जाएगी। बोले हाँ या ना?
और यदि आपके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं तो आप कभी जिंदगी में पैसों की कीमत ही नहीं समझ पाएंगे। बोले हाँ या ना। इसलिए तनिम नाशोभन्ते गली तवी भवाशार्थी। और आगे कहा समर विजयी, समर में विजय प्राप्त करने वाला हेति दलिता, माने हेति माने अस्त्रों शस्त्रों से, दलित माने क्षत विक्षत जो हो गया है, ऐसा समर में विजय प्राप्त करने वाला, युद्ध क्षेत्र में विजयी होकर लौटने वाला जो योद्धा है वो भी सुशोभित होता है। ध्यान रखना उस योद्धा को हेति दलिता है, माने बाणों से अस्त्रों से शस्त्रों से बिंध गया है तो घायल हो गया, तो थोड़ा तो ब्लड उसका कम हुआ तो तनुत्वेन हुआ, तनिम्ना हुआ कि नहीं, ताकत कम हुई, चल नहीं पा रहा है, एकदम घायल है, बाण लगे हुए हैं, लेकिन समर विजयी युद्ध को जीत करके लौटा है तो थोड़ा सा उसका ब्लड कम भी हुआ होगा, ताकत कम भी हुई होगी, घायल भी हुआ होगा, चोटिल भी हुआ होगा, तो भी वो शोभनते। समझ में आ गया। मणि सुशोभित होती है शान पर चढ़ाने जाने के बाद भी, मणि सुशोभित होती है, समर में युद्ध क्षेत्र में जीत करके लौटने वाला योद्धा भी सुशोभित होता है, भले ही हेति दलिता, भले ही शस्त्रों से घायल हो तो भी। और मदक्षीणो नागा, क्या कहा, मदक्षीणो नागा, मदेन मद हाथी को मद बहता है, और मद बहने के बाद क्षीण होता है, दुर्बल होता है गजह हाथी, लेकिन मद बहने के बाद हाथी में जो विनम्रता आती है, हाथी में जो हाथी अपने उत्तरार्ध में आता है वो हाथी फिर बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि जो मद बहने वाला हाथी वो उद्दंड हाथी होता है, उसमें जब जवानी बहरा होता है, मद बहरा होता है, तो हो सकता है वो महावत की बातों को टाल जाए, लेकिन कहा नहीं, मद क्षीणो नागा, मद के बाद, मद बहने के बाद जो क्षीण नागा, क्षीण हुआ हाथी है, वो भी शोभनते, वो भी क्या है। और शरद काल में शरीद आश्यान पुलना, बोले कि ईसत शुष्क थोड़ा सूख जाती है, नदी बरसात जब आती है तो बढ़ जाती है, और शरद ऋतु आते आते थोड़ा थोड़ा आश्यान माने थोड़ा सूख जाती है, हल्का उसका किनारा कम हो जाता है, लेकिन शरद काल की नदी भी ऐसे पुलिन माने किनारे, जिसके किनारे, सरित माने नदी, आश्यान माने सूखे हुए, पुलिन माने किनारे, तो जिस नदी के किनारे शरद ऋतु में थोड़ा सूख जाते हैं, अर्थात किनारे से थोड़ा नीचे नदी बहने लगती है, एक जमाना आता है जब नदी किनारों को पार करके ऊपर बहने लगती है, तब की नदी से सबको डर लगता है, लेकिन जब वो नदी अपने किनारे से थोड़ा सूख करके नीचे आती है, अर्थात किनारों के नीचे नीचे नदी बहती, वो होता है ऋतु शरद काल, और शरद काल ऋतु आती है वर्षा के बाद, तो वर्षा में नदी होती है अपने उफान पर, और शरद काल में होती है अपने ढलान पर, अर्थात वो नदी के किनारे, जिस नदी के किनारे थोड़ा सूखे हो, नदी यदि अपने किनारों को पार कर जाएगी तो आपको बहा सकती है, आपको ले जा सकती है, ज़्यादा खतरनाक नदी हो जाती है, इसीलिए शरद ऋतु की, जिस सरित माने नदी की, आस्यान माने सूखे हुए, पुलिन माने किनारे हैं, वो नदी भी भले ही थोड़ा निम्न हुई ना, थोड़ी दुबली हुई, थोड़ा सा पानी उसका घटा, लेकिन ऐसी घटे हुए पानी वाली नदी भी क्या होती है। ये सिर्फ ये बता रहे हैं किन किन चीज़ों से कुछ घटने के बाद भी आदमी सुंदर लगता है, तो सब चीज़ें, नदी सुंदर लगती है शरद काल की, जिसके थोड़ा किनारे सूख गए हों, मणि सुंदर लगती है कसौटी पर घिसने के बाद, भले ही मणि घिसने से थोड़ा कम हो जाए तो भी, और यदि शस्त्रों से आहत हुआ योद्धा है और समर जीत करके लौटा है, वो योद्धा भी सुंदर लगता है, और जिसका मद बह चुका है, मद बहने के कारण जो क्षीण हो गया है, ऐसा हाथी भी सुंदर लगता है। और कला शेषश चंद्रः, जिसकी एक कला मात्र शेष है, ऐसा चंद्रमा भी सुशोभित होता है, पूर्ण चंद्रमा सभी कलाओं से युक्त होता है, भगवान शंकर के सिर पर एक चंद्रमा आपको दिखाई पड़ता होगा, वो कला शेषः चंद्रः है, कैसा चंद्र है। तो भरतीर ने कहा कि एक कला मात्र जिसकी शेष है, ऐसा तिरछा हुआ उतना चंद्रमा भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को देखा होगा अपने चंद्रमा पहनते हैं तो कला शेष चंद्रमा पहनते हैं, बस एक कला वाला आपने देखा होगा, भगवान शंकर भी अपने शिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं, पूरे चंद्रमा को नहीं, कला शेष चंद्र को, और बोले वो चंद्रमा अच्छा लगता है, बोले कला शेष चंद्र,
सुरत मृदिता बालव। और रति क्रीड़ा के बाद, सुरत क्रीड़ा के बाद जो मर्दित कर की गई है ऐसी बाल वनिता, ऐसी नई नई स्त्री, ऐसी नई नई कांता, ऐसी नई नई सुंदरी जो रति क्रीड़ा के बाद मर्दित होने के बाद छोड़ी गई है, वो रति क्रीड़ा के बाद और भी सुंदर लगती है। और सबको कह के बताया तनिम्ना शोभन्ते ये चीज़ें, अर्थात मणि, समर विजयी योद्धा और मदक्षिणो नागहा और नदी और चंद्रमा और बाल वनिता, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब इनसे कुछ कम हो जाता है तब ये और ज़्यादा सुंदर। और लास्ट में इनको बताना यही था क्या, गलित विभवाश्चार्थी सुनारा, गलित विभवाश्चार्थी सुनारा, या मनस भोलागा शिखर, गलित विभवा या मनस भोलागा, गलित यमान गलित यमान स भोला।